So hey everyone, this is Akshi and welcome to our channel S for Success. So this is my YouTube channel where you get all the educational videos of social studies, science and English. So in this lecture we are going to start the first chapter of our history class 11th, which is फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ टाइम ठीक है तो इसके पहले हमने जो हिस्ट्री पढ़ा था वो बिल्कुल ही डिफरेंट है अब जो हम हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं यानी कि इसके पहले यानी कि क्लास टेंथ तक में हमने जो हिस्ट्री पढ़ा था वो था सबसे पहले तो हमने पढ़ा था एनशेंट हिस्ट्री जिसमें कि हमने हमारे हरप्पन सिविलाइजेशन और फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन और ये सब पढ़ा था फिर हमने पढ़ा मेडाइवल हिस्ट्री जिसमें कि हमने अकबर बाबर हमायूँ मुगल सल्तनत ये सब पढ़ा फिर हमने पढ़ा मॉडर्न हिस्ट्री जिसमें कि हमने ब्रिटिशर्स के बारे में पढ़ा इंडिया को इंडिपेंडेंस कैसे मिला फ्रांस में रेवोल्यूशन हुआ यानी कि फ्रेंच रेवोल्यूशन और ये सब हमने पढ़ा था मॉडर्न हिस्ट्री में लेकिन अब जो हिस्ट्री हम पढ़ने वाले हैं यानी कि अब जो क्लास एलेवंथ में जो हम हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं वो बिल्कुल ही अलग है क्लास इलेवंथ में हम क्या पढ़ने वाले हैं सो क्लास इलेवंथ का हमारे जो फर्स्ट चैप्टर है फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ टाइम यानी कि समय की शुरुआत से अब हम स्टार्टिंग से पढ़ेंगे यानी कि जब से टाइम स्टार्ट हुआ तब से कैसे कैसे क्या क्या होना स्टार्ट हुआ वो सब हम हम स्टार्टिंग से पढ़ेंगे अब हम किसी भी कंट्री का हिस्ट्री नहीं पढ़ने वाले किसी भी चीज़ का हिस्ट्री नहीं पढ़ने वाले है अब हम खुद के बारे में अपना खुद का ह्यूमन बींग्स का हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं ठीक है यानी कि हम जो ह्यूमन बींग्स जो अभी हम दिख रहे हैं इतने अच्छे इतने मॉडर्नाइज इतने कैरेक्टराइज ह्यूमन बींग्स तो हम कैसे इवॉल्व हुए जैसे कि हम सब ने सुना है कि हम कैसे हमने हम सबसे पहले एक पहले बंदर हुआ करते थे, तो उसके बाद हम इंसान बने तो ये कैसे ये एवोल्यूशन कैसे हुआ कैसे कैसे हम चेंजेस आए हमारे में तो वो सब हम इस वाले इस पूरे चैप्टर में पढ़ने वाले ठीक तो है तो हमारा ये चैप्टर है फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ टाइम यानी कि समय की शुरुआत से अब हम समय की शुरुआत से पढ़े यानी कि समय जब से टाइम स्टार्ट हुआ तब से तो जब टाइम स्टार्ट हुआ तो हम और भी और किसी भी चीज़ के बारे में बात नहीं करें हम सिर्फ अपने बारे में बात करें यानी कि वी द ह्यूमन बींग्स हम अपने बारे में सबसे पहले देखेंगे कि हम कैसे इवॉल्व हुए ठीक है सो लेट्स स्टार्ट तो अगर हम अब इस चैप्टर के बारे में बात करें तो इस चैप्टर में हम ह्यूमन बींग्स के बारे में बेसिकली पढ़ने वाले कोई दूसरे एनिमल के बारे में नहीं सिर्फ ह्यूमन बींग्स के बारे में पढ़ने वाले ठीक है तो जो ह्यूमन बींग्स थे यानी कि जो हमारे जैसे दिखने दिखने वाले क्रिएचर्स वो कब दिखना स्टार्ट हुए धरती पर वो दिखना स्टार्ट हुए फाइव मिलियन ईयर्स अगो यानी कि फाइव पॉइंट अभी जो टर्म है एम ये मैं बार बार यूज करूंगी हमारे इस चैप्टर में ठीक है तो जैसे कि एम क्या है ये एक हिस्टोरिकल टर्म है जैसे कि हमने इसके प्रीवियस क्लास क्लासेस में हमने जिसे पढ़ा था एडी एडी यानी एनोडोमिन बीसी यानी कि बिफोर क्राइस्ट वैसे ही हम एक और टर्म यूज करेंगे एम वाई का मतलब होता है मिलियन ऑफ इयर्स अगो ठीक है तो अगर मैं बोलूँ फाइव पॉइंट सिक्स एम वाई यानी कि फाइव पॉइंट सिक्स मिलियन इयर्स अगो ठीक है तो जो फर्स्ट ह्यूमन लाइक क्रिएचर्स थे यानी कि हमारे जैसे दिखने वाले इंसान हमारे जैसे दिखने वाले क्रिएचर्स बिल्कुल हम नहीं बट हमारे जैसे दिखने वाले हमारे जैसे थोड़े कैरेक्टरिस्टिक्स रखने वाले क्रिएचर्स कब दिखना स्टार्ट हुए धरती पर तो वो दिखना स्टार्ट हुए थे फाइव पॉइंट सिक्स मिलियन ईयर्स अगो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है हमेशा वन मार्क क्वेश्चन में आता है सो रिमेंबर दैट पॉइंट ठीक है तो जो हमारे जैसे दिखने वाले क्रिएचर थे वो दिखना स्टार्ट हुए 5.6 मिलियन ईयर्स अगो लेकिन जो मॉडर्न ह्यूमंस थे वो कब दिखना स्टार्ट हुए अब जैसे एक पॉइंट क्लियर रखना मैंने अभी बोला था कि जो फर्स्ट ह्यूमन लाइक क्रिएचर थे वो दिखना स्टार्ट हुए थे 5.6 मिलियन अगो यानी कि जो फर्स्ट ह्यूमन लाइक क्रिएचर हमारे जैसे दिखने वाले लोग थे वो बिल्कुल हम नहीं बट हमारे जैसे सिमिलर लोग फाइव मिलियन सिक्स अगो दिखना स्टार्ट हुए थे ठीक है लेकिन जो मॉडर्न ह्यूम्स है अब मॉडर्न ह्यूम्स मैं इस चैप्टर में बार बार यूज करूंगी तो मॉडर्न

मॉडर्न ह्यूमंस तो जो मॉडर्न ह्यूमंस थे वो कब देखना स्टार्ट हुए तो वो देखना स्टार्ट हुए थे वन सिक्सटी थाउजेंड ईयर्स अगो और जो फर्स्ट ह्यूमन लाइक क्रिएचर थे यानी कि टोटली totally ह्यूमंस नहीं टोटली मॉडर्न ह्यूमंस नहीं ह्यूमन लाइक क्रिएचर्स तो वो देखना स्टार्ट हुए थे 5.6 मिलियन ईयर्स अगो ठीक है तो यहाँ पे हमने अभी तो बात किया कि कौन से ह्यूमंस कब देखना स्टार्ट हुए तो कभी ये सोचा है कि हमें ये पता कैसे लगा कि ये ह्यूमंस इतने पहले दिखना स्टार्ट हुए थे हम इतने पहले धरती पर इमर्ज हुए थे इतने पहले हम धरती पर आए थे ये सारी बातें हमें आखिर पता कैसे चलती हैं कभी सोचा है बैठ के कि कैसे हमें ये सब कुछ पता लग रहा है कि कैसे हमें पता चल रहा है कि हाँ मॉडर्न ह्यूम्स इतने पहले आए हैं हम इतने पहले आए हैं एनिमल्स इतने पहले आए हैं या फिर कोई भी चीज़ कितनी पुरानी है ये सब हमें पता कैसे चलता है तो ये सब हमें पता चलता है विद द हेल्प ऑफ स्पीसीज एंड फॉर्शल्स ठीक है हमें ये सब कैसे पता चलता है विद द हेल्प ऑफ स्पीसीज और फॉसिल्स फॉसिल्स और स्पीसीज की हेल्प से अब फॉसिल्स क्या होता है स्पीसीज क्या होता है तो उसको डिस्कस करते हैं अब जो एविडेंस था जो सबूत था ह्यूमन इवोल्यूशन का डैट द ह्यूमन बींग्स हैव एवॉल्व तो यह हमें कैसे पता चला था ये हमें पता चला था फ्रॉम द फॉसिल्स ऑफ स्पीसीज ऑफ ह्यूम यानी कि जो ह्यूमन्स की जो स्पीसीज थी उनके फॉसल्स से हमें पता चला था कि हाँ ह्यूम्स में इवोल्यूशन हुआ है यानी कि हमें इवोल्यूशन हुआ है हमें चेंज आया है ठीक है इवोल्यूशन यानी कि क्या इवोल्यूशन यानी कि

स्टोन यानी कि फ जो होते हैं वो बहुत ही पुराने बहुत ज़्यादा पुराने वैसे इम्प्रेशंस होते हैं वैसे हमारे रिमेन्स होते हैं जो कि अब रॉक्स के फॉर्म में टर्न हो टर्न आउट हो चुके हैं ठीक है यानी कि ऐसे चीज़ जैसे कि देखो पहले मान लो कि कोई जानवर है ठीक है या फिर कोई प्लांट है वो एक ज़मीन पर गिरा उसके ऊपर मिट्टी आया और मिट्टी में वो दबते गया दबते गया दबते गया तो उसका एक इम्प्रेशन छूट जाएगा जैसे कि अगर कोई मिट्टी का चीज़ है ठीक है एक मिट्टी गीला मिट्टी है उसमें अगर तुम अपना हाथ ऐसे करके रखते हो तो तुम्हारे हाथों का उसमें निशान बन जाता है ठीक है वैसे ही अगर कोई प्लांट या फिर कोई भी चीज़ अगर ज़मीन पर गिरती है मिट्टी पर गिरती है और उसके ऊपर और मिट्टियाँ आते जाती हैं आते जाती हैं तो उसमें क्या होता है कि उसका एक इम्प्रेशन बन जाता है उस मिट्टी पर और फिर बहुत टाइम की बात क्या होता है कि वो जो इम्प्रेशन बना हुआ होता है वो रॉक्स के फॉर्म में टर्न हो जाता है वो रॉक्स में बदल जाता है वो पत्थर बन जाता है ठीक है पत्थर या स्टोन बन जाता है ठीक है और वैसे ही फिर हम जब भी उसको खुदाई करते हैं उस पत्थर को निकालते हैं बहुत सालों बाद करोड़ों सालों बाद तो उसको उसमें से हमें वो पत्थर निकलता है और जिसपे कि इम्प्रेशन बने रहते हैं जिसमें कि वो जो छाप रहता है वो किसी भी प्लांट का किसी भी एनिमल का या फिर किसी ह्यूमन बींग का ही मान लो कोई आदमी या फिर आदमी मर गया ठीक है आदमी मर गया वो जमीन पर पड़ा हुआ है वैसे तो उसके जो ऊपर का जो मसल्स है जो फ्लैश है वो तो वहाँ के स्कैवेंजर्स खा जाएंगे लेकिन जो हड्डियाँ हैं वो तो मिट्टी में से दबके रह गई और फिर वो दबी रह गई दबी रह गई और उसके बाद वो रॉक का फॉर्म ले लेती वो एक स्टोन एक पत्थर बन जाता है ठीक है और फिर वो पत्थर करोड़ों साल बाद मिलता है हमें जैसे कि अभी जो स्कॉलर्स और जो आ, जो ये सारे काम करते हैं उनको ये जो पत्थर मिलता है तो वो लोग उस पत्थर को फिर से पढ़ते हैं और फिर उससे पता चलता है कि ये कितना ज़्यादा पुराना है ठीक है अब है स्पीसीज तो आई होप आप सबको पता होगा कि स्पीसीज क्या होता है अगर नहीं पता तो डोंट वरी मैं बता देती हूँ क्या होता है इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट कैन ब्रीड टू प्रोड्यूस फर्टाइल यानी कि स्प्रिंग ऐसी ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है ऐसा ऑर्गेनिज्म है ग्रुप ग्रुप ऐसा ऑफ uh, ऑर्गेनिज्म है जो ब्रीड करे और एक फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करे यानी कि अगर सिंपल भाषा में मैं समझाऊं तो वैसा एक स्पीसीज प्रजाति जैसे कि एक, एक संतरा और एक नींबू दोनों हैं अलग अलग चीज बट दे आर ऑफ द सेम स्पीसीज उनकी स्पीसीज सेम है वो एक ही स्पीसीज के मतलब दोनों दिखने में मतलब उनके रेक्टरिस्टिक्स थोड़े बहुत मिलते जुलते होंगे तो वैसी चीजों को हम बोलते हैं जैसे कि मंकीज एप्स तो ये और ह्यूमन बींग्स तो हम सारे एक ही स्पीसीज के हैं हमारे भले कैरेक्टरिस्टिक थल के फुल के अलग हों बट हम हैं सेम स्पीसीज के ठीक है जैसे कि नींबू संतरा जैसे मैंने बताया तो वो दोनों सेम स्पीसीज के हैं ठीक है तो स्पीसीज समझ में आ गया यानी कि वैसे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो कि ब्रीड करे और फर्टाइल और, और फर्टाइल ऑफ को प्रोड्यूस करें तो उनको ही हम कहते हैं स्पीसीज तो ये बात समझ में आ गई फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है डिस्कवरीज ऑफ ह्यूमन फॉसल्स स्टोन टूल्स एंड केव पेंटिंग्स हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड द अर्ली ह्यूमन्स हिस्ट्री यानी कि जो डिस्कवरी हुआ किसी किस चीज़ -किस का ह्यूमन फॉसिल्स यानी कि अभी हमने फॉसिल्स पढ़ा था कि फॉसल्स क्या होता है कि वो चीज़ जो पहले तो मिट्टी में दबी और दबते दबते वो पत्थर में तब्दील हो गई तो उसको हम लोगों ने बोला फॉसल्स तो ह्यूमन्स की जो फॉसल्स हैं ह्यूमन फॉसल्स उस वो और फिर स्टोन टूल्स और केव पेंटिंग्स तो ये जो तीन चीज़ें थी इनकी हेल्प से ही हमें पता लगा कि ह्यूमन हिस्ट्री ह्यूमन अर्ली ह्यूमन हिस्ट्री कैसा हुआ करता था ठीक है यानी कि जो पहले तो हमें फॉसल्स मिलना स्टार्ट हुआ ह्यूमन्स अर्ली ह्यूमस का उससे हमें पता चलने लगा कि अच्छा अर्ली ह्यूमन्स ऐसे दिखते होंगे उनका ऐसा ब्रेन होगा उनका ब्रेन साइज ऐसा होगा ये वो उसके बाद अगर हम बात करें स्टोन टूल्स तो हमें कई कई जगह पे स्टोन टूल्स मिलना भी स्टार्ट हो गए थे स्टोन टूल्स यानी कि वो जो पत्थर के जो टूल्स होते जो अर्ली ह्यूमन्स बनाए करते थे तो स्टोन टूल्स भी मिलते थे तो उससे हमें पता चलता था कि अच्छा अर्ली ह्यूमन जो थे वो स्टोन टूल्स का भी यूज़ करते थे फिर हम बात करें केव पेंटिंग्स की तो केव पेंटिंग्स भी जो गुफाएं होती है वहाँ पे केव पेंटिंग्स केव केव्स के अंदर पेंटिंग्स बनाई रहती थी तो उससे भी हमें पता चला कि अच्छा अर्ली ह्यूमन्स की हिस्ट्री ऐसी हो, होती होगी ठीक है तो ये सारे कुछ एविडेंसेस थे जिनकी वजह से हमें पता चलता था कि अच्छा ऐसा ऐसा हुआ होगा लेकिन अभी भी क्या था कि अभी कुछ स्कॉलर्स ऐसे थे कुछ लोग ऐसे थे जिनका मानना था कि नहीं ये सब कुछ गलत है ये जो के पेंटिंग से जो स्टोन टूल्स और ये सब है ये सब कुछ नहीं है ये सब कुछ गलत है क्योंकि वो लोग बाइबल में बिलीव करते थे ठीक है और जो ओल्ड टेस्टिमेंट ऑफ़ बाइबल है यानी कि अकॉर्डिंग टू द ओल्ड टेस्टिमेंट ऑफ़ द बाइबल बाइबल ये दावा करता है कि जो ह्यूमन बींग्स हैं जो हम हैं वी आर द क्रिएशन ऑफ गॉड यानी कि हमें भगवान नहीं बनाए ठीक है सो अकॉर्डिंग टू द ओल्ड टेस्टमेंट ऑफ़ द बाइबल

तो ये होता है कब का बात तो ये बात की जा रही है अगस्त 1856 की कब की बात की जा रही है अगस्त 1856 की डेट याद रखना फिर अगस्त 1856 में क्या होता है कि कुछ वर्कमैन कुछ लोग क्वेरिंग कर रहे होते हैं क्वेरिंग यानी कि खुदाई कर रहे होते हैं ठीक है नियांदे वैली में नियांदे वैली कहाँ पे है तो नियांदे वैली देखो नियांदे वैली इज अ गॉज नियर द जर्मन सिटी ऑफ डॉफ नियाडव वैली एक गौज है गौज यानी कि वैसी जगह जो दो बड़े 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 वैलीज के बीच में जो पतली सी जो जगह होती है जिसमें से एक पतली सी नदी बहती है उसको हम कहते हैं गौज ठीक है तो नियांदव वैली एक गौज है कहाँ पे है जर्मनी में है जर्मन सिटी कहाँ पे? डुसल डॉफ एक जर्मन सिटी है वहाँ पे है नियांदव वैली ठीक है नियांदा वाली समझ में आएगा कहाँ पे जर्मन का एक सिटी है जर्मनी की एक सिटी है डुसल डॉफ डुसल डॉफ के नजदीक में है नियांदा वैली और नियांदा वैली में कुछ लोग क्वेरिंग करे थे कुछ लोग खुदाई करे थे उस नियांदा वैली में ठीक वह है वहां पर जब वो खुदाई करते हैं तो उनको एक वो क्या उनको मिलता है उनको एक दाउंडर स्कल एंड स्केलेटल फ्रेगमेंट्स उनको एक स्कल मिलता है स्कल यानी कि इंसानी खोपड़ी होती है यानी कि जो इंसान का हमारा जो ब्रेन होता है जो हड्डी जो दिखता है वो खोपड़ी उसको हम कहते हैं स्कल तो जब वो लोग खुदाई कर रहे होते हैं तो उनको एक स्कल मिलता है ऐसा ये इस टाइप का स्कल अभी हमारा स्कल तो ऐसा नहीं दिखता पर उस जमाने में उनको ऐसा ये वाला स्कल मिलता है ठीक है खुदाई करते टाइम और कुछ स्केलेटल फ्रेगमेंट्स और मिलते हैं तो अब जैसा कि वो लोग तो एक लेबर टाइप के लोग थे उन लोगों में को ज़्यादा उतना सेंस नहीं था कि क्या होता है हम भी अगर हमें भी कुछ ऐसी चीज़ मिलेगी तो हमें पता नहीं होगा उसके बारे में तो वो लोग क्या करते हैं कि वो लोग उस स्कल को ले जाके एक लोकल हिस्टोरियन को दे देते हैं एक लोकल स्कूल मास्टर को दे देते हैं वो लोग क्या करते हैं कि दे दीज वर हैंडेड टू कार्ल फुलहॉट वो लोग उसको काल फलहट को दे देते हैं और काल फलौट कौन होते हैं तो काल फलहट होते हैं एक लोकल स्कूल मास्टर एंड अ नेशनल हिस्टोरियन वो एक नेशनल हिस्टोरियन भी रहते हैं और साथ में वो एक लोकल स्कूल मास्टर भी रहते हैं ठीक है तो जो ये हड्डी ये जो खोपड़ी मिल मिलती है उन लोगों को तो वो लोग क्या करते हैं वो लोग इस खोपड़ी को ले जाके काल फलोट को दे देते हैं और काल फलोट कौन रहते हैं तो काल फलौट एक नेशनल हिस्टोरियन रहते हैं और वो एक स्कूल मास्टर भी एक लोकल स्कूल मास्टर भी होते हैं ठीक है फिर जो काल फलौट होते हैं वो उस खोपड़ी को देख के ऐसा उनको रियलाइज़ होता है कि ये इंसानी ये जो खोपड़ी है ये जो स्कल है ये अभी के मॉडर्न ह्यूमंस की तो नहीं है ठीक है मतलब उनको इतना पता रहता है वो, उ, वो उनको ये, ये रियलाइज हो जाता है कि ये जो खोपड़ी है ये इंसानी खोपड़ी तो लग रही है बट अभी के टाइम की इंसान की ये खोपड़ी नहीं है ये, ये किसी और जमाने का है ठीक है तो वो क्या करते हैं कि ही मेड अ प्लास्टर कास्ट प्लास्टर कास्ट यानी कि वो जो हम लोग प्लास्टर ऑफ पैरिस का मतलब किसी भी चीज़ का एक प्लास्टर कास्ट बना बनाते प्लास्टर ऑफ पैरिस से जो हम बनाते हैं उसको हम बोलते हैं है, प्लास्टर कास्ट ठीक है सो ही मेड अ प्लास्टर कास्ट एंड सेंड इट टू द टू हरमन फोसैन प्रोफेसर ऑफ एनाटॉमी एट बॉर्न यूनिवर्सिटी ठीक है तो जो हमारे कार फ्लाउट रहते हैं उनको जब ये रियलाइज हो जाता है कि ये अभी के जमाने का तो ये एक स्कल नहीं है तो वो क्या करते हैं वो उसका एक प्लास्टिक कास्ट बनाते हैं और उसको उस प्लास्टिक कास्ट को उसके किसके पास भेज देते हैं उस प्लास्टिक कास्ट को भेज देते हैं हरमन सेफोसैन के पास ठीक है हरमन सेफुसैन कौन रहते हैं हरमन हर्मनैन रहते हैं एक प्रोफेसर रहते हैं वो एनाटॉमी के बॉर्न यूनिवर्सिटी में ठीक है ये बात समझ में आ गई क्या हुआ था ये पूरा इंसिडेंट समझो नियांडे वाले इंसिडेंट्स क्या था नियांडे वाले इंसिडेंट्स में नियाडा वैली एक होता है एक गॉर्ज रहता है गॉर्ज यानी कि वैलीज दो वैलीज के बीच की जो पतली सी जगह रहती है जहाँ से नदी बहता है उसको हम बोलते हैं गॉर्ज तो नियांडे वैली में एक गॉर्ज था गॉर्ज कहाँ पे था डुसल के नज़दीक डुसल एक जर्मन सिटी उसके नज़दीक एक गॉर्ज हुआ करता था और अभी भी है वो तो वहाँ पे वो लोग प्रिंग कर रहे होते होतेरिंग यानी कि खुदाई कर रहे होते हैं और वो लोग जब जो लोकल वहाँ के वर्कमैन रहते हैं वो लोग जब खुदाई करते हैं तो उनको वहाँ से क्या मिलता है उनको वहाँ से स्कल मिलता।, मिलता है स्कल यानी कि खोपड़ी मिलती है ठीक है वो लोग उस खोपड़ी को ले जाके तो कार्ल फलहट को दे देते हैं काल फलहट कौन रहते हैं काल फलहट एक लोकल स्कूल मास्टर और एक नेशनल हिस्टोरियन रहते हैं और कार्ल फलहट उस खोपड़ी को देखते हैं तो उनको वो रियलाइज़ होता है कि ये जो स्कल है ये अभी इस टाइम का तो नहीं है अभी के ज़माने के तो ह्यूमन्स का नहीं है ये ज़रूर पुराने टाइम के ह्यूमस का होता है होगा तो वो क्या करते हैं वो उसका एक प्लास्टर कास्ट बनाते है, दे, है प्लास्टर तो तो एक प्रोफेसर रहते हैं एनाटॉमी के बॉन यूनिवर्सिटी में और वो भी उसके बारे में रिसर्च करते ठीक है थीके? तो फिर वो लोग ऐसा ये बताते हैं कि ये पुराने जमाने के बहुत ही पुराना ये जो ह्यूमन्स थे हमारे जो हमारी स्पीसी थी उनका है ये स्कल लेकिन अभी भी कुछ स्कॉलर्स ऐसे थे वो फिर से रिफ्यूज़ कर देते हैं इस बात को इस बात को मानने से वो बोल देते हैं कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं ये आ, एक साइकोपैथ का स्कल है साइकोपैथ यानी कि एक किसी पागल से इंसान का ये स्कल है ये ऐसा कुछ नहीं है कि पुराने ज़माने के लोगों का स्कल ऐसा कुछ भी नहीं है और वो लोग इस बात को मानने से इनकार कर देते हैं ठीक है तो यही हुआ था हमारे नियान्डा वाली इंसिडेंस में ठीक है इसी के बीच क्या होता है जब ये इंसीडेंस नियान्डा वाली इंसिडेंस जाता है कब एटीन में ये डेट याद रखना अगस्त एटीन तो जब ऑगस्ट एटीन में ये हो जाता

तो जो हमारे चार ताबन रहते हैं वो आ, अपना एक बुक लिखते हैं और उस बुक की वो टोटल 1250 कॉपियां बनाते हैं यानी कि टोटल 1250 कॉपीज उस बुक की पब्लिश की जाती है और वो बुक पब्लिश होते ही उसके फर्स्ट दिन ही उसका टोटल 1250 कॉपीज बिक जाता है ठीक है यानी कि क्रेज देख रहे हो उस बुक का यानी कि वो जो चार्ल्स डार्विन रहते हैं वो अपना एक बुक लिखते हैं द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज और उसकी वो टोटल 1250 कॉपीज बनाते हैं 1250 कॉपीज और वो सारी कॉपीज फर्स्ट डे ऑफ पब्लिशिंग के ही बिक जाती है ठीक है और चार्ल्स डार्विन का ये मानना था उनके बुक में ये लिखा गया था कि जो हम जो हम ह्यूमन बींग्स हैं सो वी हैव एवॉ ह्यूमन बींग्स का एवोल्यूशन हुआ है जो स्कॉलर्स पहले ये बात मानने से रिफ्यूज़ कर रहे थे कि वो लोग बोल रहे थे कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है अभी अद क्रिएशन ऑफ गॉड हमें भगवान ने बनाया तो अब वो लोग भी इस बात को मानना स्टार्ट कर देते हैं ठीक है तो उस बुक के पब्लिश होने के बाद से और उसकी सारी कॉपीज बिक जाती हैं ठीक है तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक अब हम पढ़ने वाले हैं तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि हम ह्यूम्स कैसे इवॉल्व हुए थे तो अभी जैसे कि देखो अभी बहुत सारा कन्फ्यूजन आ रहा होगा जैसे कि अभी तो मैंने बता दिया कि ये इतना सब कुछ हुआ मतलब सबसे पहले हम हम जब इवॉल्व हुए थे तो हम

एक किसी मॉडर्न ह्यूमन या फिर किसी रिसेंट एंसेंट टाइम के किसी भी uh, किसी का स्कल नहीं बहुत ही रिसेंट है और उसके बाद क्या होता है उसी के बीच जो चार्ल्स होते हैं वो अपना बुक पब्लिश करते हैं में और uh, उनके बुक का नाम रहता है फ्रॉम ओरिजिन ऑफ स्पीसीज और वो अपने बुक में ऐसा दावा करते हैं कि द ह्यूमन हैव बींगस ह्यूमन बींग्स में इवोल्यूशन हुआ है और उसके बाद से लोग ये सब मानना स्टार्ट कर देते हैं ठीक है अब जो ह्यूमन बींग्स अब हम पढ़ेंगे ह्यूमन बींग्स के बारे में यानी कि अभी जो हम अभी अपने आप को हम मॉडर्न ह्यूमंस बोल रहे हैं तो मॉडर्न ह्यूमंस का हिस्ट्री में एक नाम है जिसको हम बोलते हैं सेपियंस ठीक है वी द मॉडर्न ह्यूमंस आर आल्सो नोन एज सेपियंस ठीक है अब सेपियंस की तरफ बहुत सारे और भी नाम दिए गए हैं ठीक है तो अब उन सारे नाम्स को हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं सब so, जरा बात कर लेते हैं ह्यूमंस के बारे में कि ह्यूमंस का ओरिजिन कैसे हुआ ठीक है कि ओरिजिन ऑफ ह्यूमन हुआ क्या क्या तो सबसे पहले जो इंसानों जैसे दिखने वाले लोग थे जो इंसानों जैसे दिखने वाले क्रिएटर्स थे वो लोग थे प्राइमेट्स ठीक है कौन थे वो लोग वो लोग थे प्राइमेट्स प्राइमेट्स के बाद प्राइमेट से इवोल्यूशन हुआ प्राइमेट से हम बने होमोनॉइड्स प्राइमेट से क्या बने सबसे पहले हम थे प्राइमेट्स उसके बाद हम बने होमोनॉइड्स homo होमोनॉइड से हम बने होमी नेट्स यहाँ पर डिफरेंस देखो यहाँ पे है होमो होमो एंड इट इज़ नॉइड एन ओ और यहाँ पे क्या है होमी एंड नीड्स एन आई ठीक है तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है सबसे पहले हम क्या बने सबसे पहले थे हम प्राइमेट्स प्राइमेट्स के बाद आए होमोनॉइड्स होमोनॉइड्स के बाद आए होमी ठीक है होमोनॉइड्स उसके बाद होमी फिर जो होमिनिड्स थे उससे दो ग्रुप इमर्ज हुए पहला था ऑस्ट्रेलोपेथिकस और दूसरा था होमो ठीक है बात समझ में आई सबसे पहले प्राइमेट्स प्राइमेट से होमोनॉइड होमोनॉइड से होमिनेट्स होमिनेट से ऑस्ट्रेलोपेथिकस और ऑस्ट्रेलोपेथिकस से होमो ठीक है ये चीज समझ में आ गया फिर ऑस्ट्रेलोपेथिकस धीरे धीरे ये लोग मर गए और बच गए सिर्फ होमो होमो बच गए होमो से क्या हुआ होमो से तीन लोग फिर से आए पहला तो होमो हैबिलिस इट इज ए होमो हैबिलिस दूसरा होमो इरेक्टस और तीसरा होमो सेपियंस और होमो सेपियंस कौन है होमो सेपियंस आर द मॉडर्न ह्यूमंस वी द मॉडर्न are आर sapiens. बात समझ में आ गई कैसे कैसे हुआ सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले आया प्राइमेट्स प्राइमेट्स के बाद आए हम होमोनॉइड्स होमोनॉइड्स के बाद आए होमिनेट्स होमिनिड से दो ग्रुप इमर्ज हुए सबसे पहला हुआ ऑस्टियोलोपिटेकस दूसरा हुआ होमो ऑस्टियोलोपिटेकस धीरे-धीरे जाके एक्सटेंड होने लगा और होमो बच गया सिर्फ होमो से फिर से आए तीन लोग सबसे पहले आए होमो हैबिलिस होमो हैबिलिस वो एक्सटेंड हुआ फिर होमो इरेक्टस फिर वो भी एक्सटेंड हो गया फिर हम बच गए सिर्फ होमो सेपियंस ठीक है सो हुआ होमो सेपियंस सो वी द ह्यूमन बीइंग्स द मॉडर्न ह्यूमंस आर द होमोसेपियंस तो आज के लिए बस इतना ही अब इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में इस तो कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है बहुत ही ईजी सच ये पूरा टॉपिक है बहुत ही ईजिली समझ में आ जाएगा और इतने सारे नाम हैं ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे एकदम डिटेल में डिस्कस करेंगे एकदम क्लिस्टर क्लियर हो जाएगा ठीक है सो डोंट वरी तो आज के लिए बस इतना ही और अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में ये सारे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे ये सारे अभी जो हमने ओरिजिन ऑफ ह्यूमंस पढ़ा इन सब को हम लाइन बाय लाइन एकदम डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं और जो हमारे एन का जितना भी टॉपिक्स है उन सबको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं ठीक है थीके? और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा देन डू सब्सक्राइब टू माई चैनल सो दैट्स ऑल फॉर टूडे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग